अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए और दुआओं में याद रखिए। आज हम लोग का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। क्या पढ़ेंगे? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर वन हम लोग स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ओके स्टूडेंट्स, लोग लेते हैं मैट्रिसेस ए, 2, 3, -5 and 6। अब हमें बताना है कि ऑर्डर ए, सॉरी मैट्रिसेस ए का ऑर्डर क्या है। ठीक है, मैट्रिसेस ए का ऑर्डर है हमारे पास 2×2। अब हमें पता कैसे चला है कि इस जो मैट्रिसेस है हमारे पास, इसका ऑर्डर 2×2 कैसे है? हमारे पास हैं इसमें 2 rows and 2 columns। अब रोज़ कौन सी हैं और कॉलम्स कौन सी हैं? ये दो जो हैं वो हमारे पास हैं रोज़ और ये हैं हमारे पास कॉलम। इसलिए हमारे पास जो मैट्रिसेस है वो क्या है, मैट्रिसेस का जो ऑर्डर है वो क्या है, 2×2। मैट्रिसेस ऑफ ए इज 2×2। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। जैसे हमारे पास सेकंड क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक हमारे पास मैट्रिसेस है सी और हमारे पास जो है वो 2 और क्या है 4। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जो ऑर्डर क्या होगा, 2 and 4 का ऑर्डर क्या होगा? अब इसमें जो हमारे पास है कॉलम, कितने कॉलम है हमारे पास? 2 columns। ठीक है, 2 columns है हमारे पास और रोज हमारे पास वी हैव ओनली वन रोज। हमारे पास जो इसका ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 1×2। ठीक है, सी मैट्रिसेस का ऑर्डर हमारे पास क्या होगा, 1×2। मैट्रिसेस ऑफ है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मैट्रिसेस ऑफ सी इज 1/2, 1 is row and 2 is column। ओके स्टूडेंट, समझ आ गया आप लोगों को कि हम लोग मैट्रिसेस का ऑर्डर कैसे लेते हैं? समझ आ गया तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। अगर नहीं समझ आई, जो कुछ आपने पूछना है तो हमें मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।